Are you a gym freak? Well, if you are a gym freak, then this video is going to be about you guys. तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जो भी जिम वाले लोग होते हैं उनको जिम के कपड़ों का कितना शौक होता है. तो ये वीडियो होने वाली है सारी जिम के कपड़ों के बारे में. ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप मैं अपने जिम वाले कपड़े कहाँ से लेती हूँ. तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मेरे सारे जिम के कपड़े कहाँ से होते हैं. तो जैसा कि बात हो रही है जिम के कपड़ों की, तो ये वाला जिम का कपड़ा जो है मैंने सरोजनी से लिया था मात्र 100 रुपये. और ये मेरा बहुत फेवरेट, क्योंकि बहुत हल्का और जिम में हल्के कपड़े काम आते हैं, लूज कपड़े काम आते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इन 100 रुपीज़. और हाँ, बात जब सरोजनी नगर के कपड़ों की हो रही है, तो मैंने भी एक सरोजनी नगर का हॉल पोस्ट किया था, आप उसे जाके जरूर देखें और आप देखें मैंने वहाँ से क्या क्या खरीदा था. तो मेरा पहला आउटफिट होने वाला है अर्बैनिक से. तो ये है वो आउटफिट कि मैं आपको पहन के दिखाने वाली हूँ इसकी फिट कैसी है और इसका मटीरियल कैसा है. जस्ट स्टे ट्यून्ड. तो ये है पहला आउटफिट जो है अर्बैनिक से. प्राइसिंग है वो है 685, मैंने डिस्काउंट में लिया था तो ये मुझे 685 रुपीज़ का पड़ा. तो 685 रुपीज़ में तो ये बैड डील नहीं है. बट जो मुझे इस ड्रेस में नहीं अच्छा लगता वो है इसकी बैक साइड, क्योंकि ये जो इसका हिप इन्हेंसिंग पार्ट है ये बहुत हल्का है और इसमें बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का ही अंडर गारमेंट्स आप पहन सकते हो. अभी जैसे आप देख रहे हो मैंने कुछ और पहना हुआ है जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. तो आप इसके अंदर या तो थॉन्ग पहन सकते हैं या सीमलेस अंडर पैंट्स पहन सकते हैं. हिपस्टर्स और नॉर्मल वी लाइन अंडर पैंट्स इसके अंदर नहीं अच्छे लगने वाली. थोड़ा सा सी थ्रू है बट फिटिंग वाइज इसका जो फिट है और इसकी जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट है. 685 रुपीज़ के लिए एक अच्छी डील है. जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस सेट की लगती है वो है इसका ये पार्ट. ये बहुत ही बट इन्हेंसिंग जो डिज़ाइन है इसका, आपके इतना बड़ा साइज़ हो या ना हो बट ये इतना इन्हेंस कर देता है उस चीज़ को कि इस सेट में वो बहुत ही सुंदर दिखता है. क्योंकि बारबी सीज़न चल रहा था तो मैंने स्पेसिफिकली अपने बारबी वीडियोज़ बनाने के लिए ख़रीदा था. होप यू गाइज लाइक. सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड आउटफिट, वो भी अर्बैनिक से ही है. एंड हियर इट इज़, इट्स इन प्रिटी ग्रे कलर. ये मेरा पहला सेट है ग्रे कलर का. मेरे पास ग्रे कलर के कोई भी कपड़े नहीं है इसके अलावा. तो ये है हमारा सेकेंड आउटफिट. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट आउटफिट है क्योंकि इतना ज़्यादा इलास्टिक आप देख सकते हो कि इसमें मेरे से भी छोटा इंसान घुस सकता है. एंड इट इज़ इन मीडियम साइज. मैंने थोड़ा बड़ा मंगाया बिकॉज मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया हुआ है, तो ये मीडियम साइज में है. जो इसका सबसे अच्छा वाला है वो इसका बैक, दिस बट इन्हेंसिंग डिज़ाइन. तो इसके अंदर भी आपको एक स्पेसिफिक टाइप का ही अंडर गार्मेंट्स पहनना पड़ेगा, बाकी तो इसमें बहुत ही बुरा लगता है अगर आप पहनोगे तो. तो ध्यान रखना आप इसके अंदर क्या पहन रहे हो. और ये जो इसका बट इन्हेंसिंग पार्ट है ये थोड़ा हल्के कपड़े में, तो आप इसके अंदर कुछ लाउड कलर्स नहीं पहन पाओगे इसके अंदर. बाकी टू टू साइज है और टू टू कलर है. बाकी इनके जो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं वो भी मैं ऊपर या फिर साइड में कहीं पे लगा दूंगी तो आप देख सकते हो. और मेरे पास इसके दो सेट है, एक बेज कलर में. तो जो बेज कलर का जो ये लोअर पार्ट है वो का थोड़ा बुरा लगता है पहनने में क्योंकि उसका जो कपड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का है. इसका कपड़ा कंपैरेटिवली उस वाले सेट के बहुत अच्छा है, बहुत ही थिक कपड़ा. और वो जो है दूसरा सेट वो भी मैं अभी आपको नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी, वो काफ़ी हल्का है. तो उसे पहन के आपके बट पूरे सी थ्रू दिखते हैं उस सेट से. तो इट्स अ नो फॉर मी, कुछ भी सी थ्रू जिम में इट्स अ बिग नो. और ये मुझे पड़ा 1611 रुपीज़ का, क्योंकि ये न्यू अराइवल में था तो इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं था. तो ये है 1611 रुपीज़ का. और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना थर्ड आउटफिट. तो जो मैंने अभी लास्ट सेट दिखाया था ग्रे वाला, ये उसी का दूसरा कलर है. और मैंने क्यों इसमें दूसरा कलर खरीदा, मतलब मैंने क्यों ग्रे वाला खरीदा था वो आप इसे पीछे से देखोगे तो समझ जाओगे. तो ये जो पार्ट है इसका, ये वाला जो कपड़ा है ये बहुत ही हल्का है. मतलब अगर आप इसे सामने से देखोगे तो ये बहुत गंदा दिखता है. मतलब
आप स्क्वाट करोगे या कोई भी लेग मूवमेंट इस कपड़े में करने वाले हो तो ये बहुत गंदा दिखता है। इस वजह से मैंने, क्योंकि इसके रिटर्न डेट निकल चुकी थी और मैंने इसको पहन के देखा नहीं था, तो अभी मेरे पास है तो मैंने इसका दूसरा ग्रे कलर मंगाया। और ग्रे कलर वाला जो है उसका कपड़ा काफ़ी थिक है और इसका कपड़ा थोड़ा हल्का है उसकी कंपेरिजन में। और इसका प्राइस उस टाइम था 1352 रुपीज़, ये डिस्काउंट पे था तो ये मैंने तब मंगाया था। क्योंकि ये स्मॉल साइज़ में और मेरा वेट बढ़ चुका है तो ये मुझे थोड़ा सा टाइट आता है, बट ये फिर भी बहुत ही स्ट्रेचेबल है। आप देख सकते हो कितना स्ट्रेचेबल है ये, तो पर मुझे ये थोड़ा सा शोल्डर से टाइट है, बाकी हर जगह से इट्स परफेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे आउटफिट नंबर 4 की तरफ। तो ये है आउटफिट नंबर 4, कलर बहुत प्रिटी है इसका और ये मुझे मिला था 1095 रुपीज़ का। तो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कवरेज है ब्रा का, तो पीछे से भी और फ्रंट से भी। बट जो मुझे आउटफिट का, इस सेट का जो एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो है इसका ये बैंड। आप देख रहे हो कितना बड़ा बैंड है, कम से कम 6-6.5 इंच का ही बैंड है, तो मतलब ये ऐसा लगता है कि मेरे गले तक पहुँच जाएगा। तो मुझे इसको ऐसे करके रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ही ऐसा लगता है, सफोकेटिंग सा लगता है जब चीज़ें यहाँ पहुँच जाती हैं। बाकी इसके बारे में सब कुछ अच्छा है, इसका फैब्रिक अच्छा है, इसकी फिट अच्छी है और ये है मीडियम साइज़ में। तो बस जो इसकी बुरी बात मुझे लगी उसकी, इसका सिर्फ ये बैंड थी, बाकी इसके बारे में सब कुछ अच्छा है। और ये मुझे डिस्काउंट में मिला था 1095 रुपीज़ का। और हाँ, इससे पहले मैं आपको अपना लास्ट आउटफिट दिखाऊँ, एक छोटी सी टिप आप सब लोगों के लिए, जिससे आप फिट रह सकते हो और हेल्दी रह सकते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने 10 के स्टेप्स पूरे करना है। बेसिकली आपको अपनी बॉडी को मूव करना है, अच्छा खाना है और बहुत सारा पानी पीना है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल को इतना भी चेंज कर लोगे तो आपको कभी भी जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये टिप आपको हमेशा आपकी ज़िंदगी में हेल्प करेगी। तो ये है मेरा लास्ट आउटफिट इस वीडियो का, जो मैं आपको अभी पहन के दिखाने वाली हूँ और मुझे बताना है कैसा है। गाइस, ज़रूरी नहीं है हमेशा तुम्हारा लक चमके सेल में, तो आप ये आउटफिट देख ही सकते हो। ये वैसे अलग अलग चीज़ें, ये कोऑर्डिनेट सेट नहीं है, ये टॉप अलग है, ये लेगिंग अलग है, तो ये मैंने डिस्काउंट में लिए थे। ये था 536 रुपीज़ का और ये था कुछ 258 रुपीज़ का। तो ये टॉप तो फिर भी काफ़ी ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है, बट फिर भी इस लेगिंग के कंपेरिजन में तो काफ़ी अच्छा है। आप इसे देख ही सकते हो, बिल्कुल भी बॉडी फ्लैटरिंग नहीं है, ये बहुत ही गंदा सा बैंड है इसका। आप देख सकते हो सिर्फ इतना सा बैंड है ये इलास्टिक का, और इल्यूजन बैंड है, कहने को इतना चौड़ा है पर इलास्टिक सिर्फ यहाँ पे छोटी सी है, आधा इंच वाली। बाकी जो इसका इनसीम है बहुत ही गंदा है, मतलब मैं तो नहीं पहन सकती ऐसे कपड़े जिम में, और पीछे से भी बहुत ही गंदा दिख रहा है। काफ़ी अच्छी शेप आती है इस चीज़ से पर इसमें पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। और जो कपड़ा है पॉलिस्टर का है और बहुत ही मतलब हल्का कपड़ा है, बहुत ही चीप कपड़ा है उससे, तो मतलब दिस इज़ अ बिग नो। सेल में ऐसे कपड़े बिल्कुल ना खरीदे, स्पेशली जो पॉलिस्टर के हों। थैंक यू सो मच। तो गाइज, ये मेरे रिव्यूज थे इन आउटफिट्स के बारे में, इसमें से कुछ अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी हैं, और बुरा वाला तो मैंने पहन ही रखा है, आपने देख लिया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और मेरी को सुनने के लिए धन्यवाद। और यस, ये वीडियो बना रही थी मैं, और दी के चैनल को जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। देख लो, ये सिर्फ इस वीडियो के लिए ये हमने पूरा अपना ये सेटअप लगा रखा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कि आपको एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिले। तो ये तो सिर्फ पहला पार्ट था इस जिम के रिव्यू का, और भी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैं उनका भी जल्दी से मतलब रिव्यू वीडियो डालूंगी, तो आप वेट करें और देखें। और गाइस, इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट करती हैं दी अपने आउटफिट्स को और ब्यूटी को भी लेके, तो उनके सबके लिंक्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन में, जाओ और जाके चेक करो।